चुनाव 2024 के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है, जहां 7वें और आखिरी चरण में मतदान होना है। और इसमें प्रधानमंत्री की काशी की सीट भी है, वाराणसी की भी सीट है। तो उनके अलावा कई दिग्गज जो हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जो बची हुई हैं 80 में से, और बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं लोकसभा, इन सब पर चुनाव है। पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट इसमें शामिल है, जहां आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। प्रधानमंत्री की भी उस दिन, उनके लिए भी मतदान होगा वाराणसी में। उसके अलावा कई और दिग्गज भी इसमें शामिल हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, 80 अगर उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, उनमें से केवल 13 बची हैं जहां मतदान होना है 1 जून को। उसके अलावा बिहार की 8 सीटें बची हैं, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और पश्चिम बंगाल की 9, और साथ ही साथ चंडीगढ़ की 1 सीट इसमें शामिल है। तो आपको बता दें, जो दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला होना है, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर, निशिकांत दुबे गोंडा से, उसके अलावा जालंधर से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कंगना रनौत मंडी से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, सीता सोरेन दुमका से, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली उत्तर प्रदेश की सीट से, उसके अलावा रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र, परिणीत कौर पहले कांग्रेस में थी अब बीजेपी से वो चुनाव लड़ रही हैं, हरसिमरत कौर बादल और हंसराज हंस पंजाब के फरीदकोट से किस्मत आजमा रहे हैं। और वहीं अंतिम चरण के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाना उनका तय है। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, तो चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे चुनावी महासभा में उतरेंगे, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। हम सबकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी है उनकी, और 5वीं बार अगर जीतते हैं तो सांसद बनेंगे। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, उसके अलावा मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, और चंदौली से, चंदौली उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट जहां से महेंद्र नाथ पांडे अपनी किस्मत आजमा रहे। तो कई दिग्गज जो हैं वो चुनावी समर में हैं, आखिरी चरण है। और इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आज पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11 बजे वो पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी की हैट्रिक लगवाने के लिए उतरेंगे। 2014 से ये सीट बीजेपी के नाम है। करीब 56% हिंदू आबादी वाले इस सीट को बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। होशियारपुर की इस जो रिजर्व सीट है, उस पर बीएसपी भी किसी भी पार्टी का खेल या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो होशियारपुर की ये पंजाब के होशियारपुर की बेहद अहम सीट है, जहां आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आखिरी रैली प्रधानमंत्री की ये होगी। एक तरह से 11 बजे पहुंचेंगे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर, और यहाँ बीएसपी किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है और आरक्षित सीट है। और यहाँ इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है पंजाब की, होशियारपुर। 4 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से एक है होशियारपुर की ये सीट। और जैसा हमने आपको बताया, अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। तो वो कौन कौन से शख्स हैं जो जिनकी किस्मत का फैसला होना है आखिरी चरण में, यानी 1 जून को जब वोटिंग होगी, जिनमें नरेंद्र मोदी हैं वाराणसी से, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, वहीं महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के दिग्गज नेता हैं बिहार के पटना साहिब से उम्मीदवार हैं, अभिषेक बनर्जी बेहद महत्वपूर्ण तृणमूल कांग्रेस के लिए, डायमंड हार्बर उनकी सीट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर पंजाब से अपनी किस्मत आजमा रहे, तो अभिनेत्री टर्न्ड पॉलिटिशियन कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार हैं, उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं। कांग्रेस की तरफ से रवि किशन गोरखपुर से एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं पवन सिंह की अगर हम बात करें तो काराकाट से वो चुनावी समर में कूद रहे हैं। तो इन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण 1 जून का दिन, और आज शाम आखिरी चरण का प्रचार थमने वाला है, जिसके लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे।
और इस चरण के लिए 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें अगर बिहार की बात करें तो जो बाकी बची सीटें हैं उनमें से 8 पर चुनाव होगा। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यहाँ से 1 सीट है तो यहाँ पर चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर मतदान होना है। और झारखंड की बात करें तो 3 बची हैं, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, टोटल सीट्स पर भी चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 13 बची हैं और पश्चिम बंगाल की 9 सीट जो बाकी बची हैं उन पर चुनाव होना है। तो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये 7वां और आखिरी चरण 1 जून को होने वाला है और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के दंगल में आखिरी चरण बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2019 की अगर बात करें, के नतीजों की बात करें, तो 57 सीटों में से 32 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था, तो उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट रहा था। जबकि कांग्रेस ने 8, तृणमूल कांग्रेस ने 9 और जो अन्य हैं उन्होंने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो देखना होगा इस बार क्या रिपीट परफॉर्मेंस होती है एनडीए के लिए या फिर नहीं। तो बेहद महत्वपूर्ण 57 सीटें आखिरी चरण में बाकी हैं जहां पर मतदान होना है 1 जून को। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के समर्थन में गोरखपुर में रोड शो किया। इस मौके पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि यूपी को वो माफिया मुक्त कर चुके हैं और जो बचे हैं वो भी जल्द साफ हो जाएंगे, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और इस मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करते हुए, देखिए सड़क के दोनों तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ यहां पर देखिए काफी ज्यादा तादाद में गोरखपुर वासी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रवि किशन को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं इस विशाल रोड शो, और दूसरी तरफ विपक्ष में 2 शख्स खास तौर से अखिलेश और राहुल कहते हैं कि इस बार एनडीए 200 के नीचे रहेंगे। देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां कहीं जाएंगे, 6 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, अंतिम और 7वें फेज का इलेक्शन 1 जून को है। पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से 400 पार आचारी भयभीत हैं, चारों खाने चित्त हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसीलिए उनके द्वारा अपनी पराजय को सुनिश्चित देखते हुए तमाम प्रकार के अब अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। पूरा देश मोदी जी के साथ है, 10 वर्ष में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए, विकास और गरीब कल्याण के लिए, विरासत को सम्मान करने के लिए, उससे आम जनता युद्ध है और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। एक तरफ आप माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है गाजीपुर का वो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है, जो बाकी एकाध बचे होंगे उनका भी वे भी सफाया हो जाएगा। दुनिया जानती है जो माफिया वो माफिया, और मुझे लगता है कि इनको शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए। सजा याफ्ता व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं लगते। पंजाब में अलगाववादी नेताओं को चरम पर है, क्या देखिए पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरी तरह अराजकता की ओर बढ़ चुका है और इसलिए पंजाब के लोगों को, पंजाब भारत का सुरक्षा का मुख्य आधार रहा है, इसलिए किसी भी स्थिति में पंजाब में अराजकता फैलाने वाली सरकार नहीं रहनी चाहिए और नहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जीतना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देख सकते हैं गोरखपुर में प्रचंड भीड़ आसपास, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। रवि किशन जो कि सांसद है उन्हें देखने के लिए यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, गोरखपुर।
और अंतिम चरण के चुनावी समर के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर सबकी नजर है। गाजीपुर की गिनती भी उन हॉट सीटों में हो रही है जहां बीजेपी के पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच मुख्य मुकाबला है। गाजीपुर का किला कौन करेगा फतेह? बीजेपी दोहराएगी 2014 का परिणाम या अंसारी परिवार के पास बरकरार रहेगी सीट? आखिरी चरण के चुनाव में पूर्वांचल के सीटों पर सबकी नजर है। बनारस से सटे गाजीपुर की गिनती हॉट सीट में है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने पारसनाथ राय को चुनावी महासमर में उतारा है तो उन्हें समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बीएसपी ने उमेश कुमार सिंह त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि गाजीपुर सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है, लेकिन बीजेपी के मनोज सिन्हा अंसारी परिवार को कई बार हार का स्वाद चखा चुके हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 1952 से अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और समाजवादी पार्टी को यहां 3 बार जीत हासिल हुई है, तो बीजेपी भी 4 बार इस सीट को अपने पाले में कर चुकी है। 2014 में गाजीपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और मनोज सिन्हा ने जीत हासिल की। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि गाजीपुर सीट का इतिहास रहा है कि कभी कोई उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। 14 से 19 में मनोज सिन्हा ने गढ़ बदल दिया, अब यहाँ गढ़ विकास हो गया, गुंडागर्दी नहीं रह गई। हमारे जिले को जो कुछ भी मिला उसी 5 साल में मिला है। इस साल उनके नहीं मनोज सिन्हा के रहते और योगी सरकार में वो भी उसी गुंडे माफिया साफ हुए, साफ हो गए कम्प्लीटली। 2014 से लेकर 19 के बीच में माननीय मनोज सिन्हा जी इतना काम कराया उसका 1% काम इन्होंने नहीं कराया। अफजल अंसारी सांसद नहीं या दूसरे आपके बीजेपी मोदी सरकार 400 पार। गाजीपुर में इस बार 18,32,000 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 8 लाख से ज्यादा महिला और करीब 10 लाख पुरुष वोटर हैं। वहीं सीट के जातीय समीकरण की बात करें, मुस्लिम मतदाता 2,70,000 हैं, दलित मतदाता 4 लाख के आसपास हैं, यादव वोटर करीब 4.5 लाख, तो गैर यादव ओबीसी वोटर की संख्या भी 4 लाख के करीब है। वहीं सामान्य वर्ग के करीब 5 लाख वोटर निर्णायक माने जाते हैं, जिनके दम पर मनोज सिन्हा ने 3 बार इस सीट की अगुवाई की है। देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा जो बहादुर लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं जिनको आप बहादुर समझती हैं, उन्हें रिजांगला का मेमोरियल के बारे में कहना चाहिए। जो रिजांगला का मेमोरियल है वो आज वहाँ नहीं है। जिन शहीदों ने आखिरी गोली तक और आखिरी अपने शरीर तक चीन से जमीन बचाने के लिए लड़े वो कहाँ है? वो क्यों नहीं खड़े होते जाकर? कम से कम अगर मुख्यमंत्री इतने बहादुर हैं तो जाएं और रिजांगला में शहीदों के स्मारक में फूल माला चढ़ा कर गए। करीब 40 साल बाद गाजीपुर में कोई चुनाव बिना मुख्तार अंसारी के हो रहा है। हालांकि उनके भाई और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी 2019 की तरह इस बार भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बयान दे दिया, उसके आगे पीछे बोलने की मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 80 में 80 का जो नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए आई थी, अब 80 में 80 उसको चुनौतियों का सामना करना है और 80 की 80 सीटें बीजेपी के लिए खतरे में है। गाजीपुर सीट पर पूरे देश की नजर है कि आखिर गाजीपुर का सिकंदर कौन होगा। और आज शाम 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद